महेश सर को हम एज अ फादर देखते हैं, और उन्होंने अगर मुझे सलाहाया है या जो भी किया तो वो बेटी समझ के किया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो वो जब मेरे पास आए, मैंने उनको प्रणाम किया, वो ऐसे पकड़ लिए, तो एक होता ना कि यार महेश भट्ट, तो मेरा वो वाला फीलिंग आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लग रहा यार इसने इन्होंने क्यों छुआ। अभिषेक से तो मेरा कभी आप लोग ने फ्लर्टिंग देखा नहीं होगा, उसके साथ अलग ही है। तो उसके साथ मेरा जो बॉन्ड था वो स्टार्टिंग से था, उसको तो साइड में ही रख दीजिए। और एल्विस का भी है कि अगर कोई लड़का हो के लड़की से डरता है, आप टच कर लो और ऐसा करो तो वो लगता है, तो मुझे मजा आने लगा। तो मेरा कोई गेम प्लानिंग नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये जाएगा तो एल्विस आ जाएगा, बट जो हो रहा तो फ्लो के साथ हो रहा था और एक मजा आ रहा था, तो हम कर रहे थे। हाँ, मुझे एक तो खुद पे ऐसे विश्वास था कि हम आएंगे टॉप थ्री में, बट मुझे बाहर से ऐसे लगता था कि बहुत ईजी होगा सफर अंदर का, बट घर के अंदर जाके जो भी जाएगा ना उसको पता चलेगा अच्छे अच्छे लोगों का फट जाएगा, क्योंकि वो ना इतना आसान नहीं है। आपको सोने नहीं देंगे वो आपके अकॉर्डिंग, आपको खाने नहीं मिलेगा टाइम पे, मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि आपको सेक्रीफाइस करके वहाँ पे रहना है। आपको मेंटली फिजिकली आपका कब दिमाग कौन खराब कर देगा आपको पता नहीं। तो ये जितना आसान दिखता है लोगों को अंदर रहना, उतना ही डिफिकल्ट है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जो मुझे लगा यार मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना, ये लोग मुझे समझ नहीं रहे। तो मतलब आप हार जाते हो, आप थक जाते हो, बट स्टिल आपको फिर से अपने आप में वो मोटिवेशन लाना और कंटिन्यू शो में बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। मनीषा, जब महेश जी घर के अंदर आए थे, उनका आपको सर पे हाथ रखना, कंधों को छूकर देखना, इट वॉज समथिंग जो मीम पेजेस जो हैं या फिर बाहर के जो बहुत सारी मीडिया, उन्होंने इन अप्रोप्रिएट घोषित कर दिया था। सो वॉज इट दैट वे ओनली या फिर कुछ और था? मुझे ये कहना कि अगर बाहर कुछ ऐसा आ रहा है तो ये बहुत गलत है, बहुत, क्योंकि महेश सर को हम ऐसा फादर देखते हैं, और उन्होंने अगर मुझे सलाहाया है या जो भी किया तो वो बेटी समझ के किया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो वो जब मेरे पास आए, मैंने उनको प्रणाम किया, वो ऐसे पकड़ लिए, तो एक होता ना कि यार महेश भट्ट, तो मेरा वो वाला फीलिंग आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लग रहा यार इसने इन्होंने क्यों छुआ। बाप भी बेटी को किस करता है या फिर हक करता है, तो उसका मतलब इंटेंशन गलत नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ एलिगेशन उन पर आ रहा है तो डैट इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई है, और आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि महेश भट्ट ने मुझे इतना अच्छा बताया। तो प्लीज़ अगर मीडिया में ऐसा कुछ आ रहा है तो बहुत गलत है, ऐसा आना नहीं चाहिए। साथ साथ आप पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि आपने हमेशा सेफ प्ले किया है। पहले जैद हदीद थे एंटरटेनमेंट का सोर्स, फिर अभिषेक एंड देन एल्विश भी। तो अभिषेक, जैद एंड एल्विश की जो तिगड़ी आपने पकड़ी वो ऐसी कि आप टॉप थ्री तक अपनी तिगड़ी को बनाकर रखे, वॉज इट अ गेम प्लान और ये जस्ट एंटरटेनमेंट का एक जरिया रहा? देखिए, अभिषेक से तो मेरा कभी आप लोग ने फ्लर्टिंग देखा नहीं होगा, उसके साथ अलग ही है। तो उसके साथ मेरा जो बॉन्ड था वो स्टार्टिंग से था, उसको तो साइड में ही रख दीजिए कि मैंने उसको गेम के लिए। रहा बात जैड और एल्विस का आता है, तो हाँ, जैड ऐसा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था कि वो इंग्लिश बोलता था और हम हिंदी बोलते थे, तो वो एक कनेक्शन ना बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, तो मैंने वो किया। अब इसमें तो ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर लोग ने जैड को पसंद किया तो कहीं ना कहीं मनीषा रानी की वजह से भी कर सकते हैं कि यार मनीषा रानी इसके साथ बोल रही है तो आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। आप ये भी तो देखोगे कि शायद मनीषा रानी उसके साथ कर रही तो लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। और एल्विस का भी है कि अगर कोई लड़का हो के लड़की से डरता है, आप टच कर लो और ऐसा करो तो वो लगता है, तो मुझे मज़ा आने लगा। तो मेरा कोई गेम प्लानिंग नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये जाएगा तो एल्विस आ जाएगा, बट जो हो रहा तो फ्लो के साथ हो रहा था और एक मज़ा आ रहा था, तो हम कर रहे थे। क्विक मैसेज फॉर दी फैंस, बिकॉज यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया आपको, बनाया, और वो बिहार की मुंगेर की लड़की फिलहाल मुंबई के बड़े शहरों में अपने औचित्य को लेकर प्रकट हो अपने अंदाज के साथ खड़ी है। हम अपने फैंस को यही बोलना चाहेंगे कि आपने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी को किसी के दिल में जगह बनाना होता है तो उसके लिए आपको सुपरस्टार बनने का ज़रूरत नहीं है, किसी अमीर बाप की बेटी का बनने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो दिल से करते हो, जो आप लोग ने प्रूफ करके दिखाया। मैंने अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर लोग को पीछे छोड़ के हम टॉप ट्रिप में आए हैं, और वो जस्ट बिकॉज की अगर जनता नहीं, पूजा भट्ट का नाम तो नहीं था मतलब और भी बहुत सारे थे जो सीरियल एक्टर है जो 10 साल से काम कर रहे थे, और हम बहुत नॉर्मल फैमिली से आके, नॉर्मल जगह से आके अपने दम पे जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बनाए थे, बट उसके बाद भी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, तो वही है कि आई एम सो ऑनर्ड। और हम दिल से हमेशा अपने जनता को बोलेंगे आई लव यू। आप लोग नहीं होते तो मनीषा रानी नहीं होती।